क्रिकेट के ग्राउंड में गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा देने वाले क्रिकेटर गौतम गंभीर राजनीति के मैदान में भी अपने विरोधियों की बुरी तरह धुलाई कर रहे हैं। देखिए, कई लोग पूरी जिंदगी बड़े नहीं होते, कई लोग क्रिकेट खेलते हैं तब भी अपनी उम्र उतनी रखते हैं, जब क्रिकेट खेलने के बाद भी उनकी उम्र कभी नहीं बढ़ती, उम्र के साथ साथ दिमाग भी नहीं बढ़ता, तो उनके बारे में ज़्यादा कहने की जरूरत है नहीं। जो मैंने बोला कि अगर उनको इतने शौक है पॉलिटिसाइज़ करने का हर चीज़, तो वो पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आ जाते। वैसे पॉलिटिक्स में भी दिमाग वालों की लोगों की जरूरत है, जो उनमें अभी तक नहीं है। गौतम गंभीर का गुस्सा इस बार फूटा है एक पाकिस्तानी क्रिकेटर के खिलाफ, वही पाकिस्तानी क्रिकेटर जो आए दिन अपनी धज्जियां सोशल मीडिया पर उड़वाते रहते हैं। नाम है शाहिद आफरीदी। इंडियन क्रिकेटर टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज और बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने शाहिद आफरीदी के नापाक बोल पर ऐसे भड़के कि उन्हें सुनकर अच्छे अच्छों की हवा टाइट हो गई। कश्मीर को लेकर बेतुके बयान देने वाले शाहिद आफरीदी को गौतम गंभीर ने करारा सबक सिखाया। देखिए, कई लोग पूरी ज़िंदगी बड़े नहीं होते, कई लोग क्रिकेट खेलते हैं तब भी अपनी उम्र उतनी रखते हैं, जब क्रिकेट खेलने के बाद भी उनकी उम्र कभी नहीं बढ़ती, उम्र के साथ साथ दिमाग भी नहीं बढ़ता, तो उनके बारे में ज़्यादा कहने की जरूरत है नहीं। जो मैंने बोला कि अगर उनको इतने ही शौक है पॉलिटिसाइज़ करने का हर चीज़, तो वो पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आ जाते। वैसे पॉलिटिक्स में भी दिमाग वालों की लोगों की जरूरत है, जो उनमें अभी तक नहीं है। दरअसल आफरीदी ने बुधवार को ट्विटर पर लिखा था कि प्रधानमंत्री द्वारा कश्मीरियों के समर्थन के लिए शुरू किए गए कश्मीर आवर कार्यक्रम को अपना समर्थन दें। मैं शुक्रवार दोपहर 12 बजे इसके लिए मजारे कायद पर उपस्थित रहूंगा। इस ट्वीट के बाद आम जनता का जहां आफरीदी पर गुस्सा फूटा, तो वहीं गौतम गंभीर भी खुद को रोक नहीं पाए। पहले तो उन्होंने ट्वीट करके आफरीदी की टांग खींची और फिर बयान देकर सीधे सीधे उनको हड़का दिया। देखिए, कई लोग पूरी ज़िंदगी बड़े नहीं होते, कई लोग क्रिकेट खेलते हैं तब भी अपनी उम्र उतनी रखते हैं, जब क्रिकेट खेलने के बाद भी उनकी उम्र कभी नहीं बढ़ती, उम्र के साथ साथ दिमाग भी नहीं बढ़ता, तो उनके बारे में ज़्यादा कहने की जरूरत है नहीं। जो मैंने बोला कि अगर उनको इतना ही शौक है पॉलिटिसाइज़ करने का हर चीज़, तो वो पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आ जाते। वैसे पॉलिटिक्स में भी दिमाग वालों की लोगों की जरूरत है, जो उनमें अभी तक नहीं है। आपको बता दें कि धारा 370 हटाने के फैसले के बाद से पाकिस्तान ऐसे पगलाया हुआ है कि जैसे वो किसी भी सूरत में भारत का नुकसान चाहता है। चूंकि वो भारत का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा, तो ऐसे में वो ट्विटर पर अपना नाकाम प्रोपोगेंडा चलाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। आफरीदी के पहले भी और बाद भी पाकिस्तानी नेताओं और कई हस्तियों ने कश्मीर को लेकर झूठ बोले और घटिया बातें जाहिर की, लेकिन भारत की तरफ से उनको करारा जवाब दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।